गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज चेतना सिंह। आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे डिफरेंट टाइप की बिंदी आप लगा सकते हो। मोस्ट ऑफ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारे फेस पर कौन सी बिंदी जो है वो अच्छी लगेगी। लाइक कोई फैटी पर्सन होते हैं जिनके फेस पर फैट होता है तो वो स्मॉल बिंदी लगा लेते हैं, या फिर जो जिनका फेस स्लिम होता है वो बड़ी बिंदी लगा लेते हैं। नो डाउट उस टाइम पर अच्छा लग जाता है, बट उनको अगर ये सजेशन चाहिए कि उनके फेस पर कौन सी बिंदी जो एकदम परफेक्ट मैच होगी, तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए मेरे वीडियो के साथ में स्टार्ट करते हैं कि आपके फेस के अकॉर्डिंग आप पर कौन सी बिंदी सूट होगी। यहाँ पर मेरे पास पेटल कंपनी की 3 बिंदी है, जिसमें एक जो है वो सबसे स्मॉल साइज़ की है, और एक बिंदी जो है वो मीडियम साइज़ की है, और एक बिंदी का पैकेट जो है वो सबसे स्मॉल साइज़ का है। मैं आपको दिखा देती हूँ इन तीनों बिंदी का साइज़। ये मार्केट में तीनों बिंदी जो है वो बहुत इजीली मिल जाती है, लाइक 20-30 रुपीस में मिल जाती है। और अभी जो ये बिंदी है वो बहुत ट्रेंडी है, लाइक इसमें इतने सारे कलर होते हैं कि हम किसी भी कलर की ड्रेस के ऊपर पहने एकदम अलग लुक देता है। आपको कोई डिज़ाइनर बिंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उतना अच्छा लुक ये सिंपल बिंदी देती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके फेस पर कैसी बिंदी सूट होगी, आपको आपके फेस के अकॉर्डिंग कौन सी बिंदी लगानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे छोटी साइज़ वाली बिंदी से। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा स्लिम है तो आपको सबसे छोटी बिंदी लगानी है। अगर आप कोई कैजुअल लुक दे रहे हो, सपोज़ आप ऑफिस जाते हो या फिर आप कॉलेज जाते हो, तो अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा स्लिम है तो आपको जो है वो स्मॉल साइज़ की बिंदी, यानी कि ये वाली बिंदी लगानी है आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हो बट आपका फेस बहुत ज़्यादा स्लिम है बट आप किसी भी वेडिंग फंक्शन के अंदर जाते हो तो आप मेकअप करते हो, तो मेकअप से क्या हमारा चेहरा थोड़ा उभरा हुआ दिखता है, तो उस चीज़ के लिए हमें जो है ये मीडियम साइज़ वाली बिंदी लगानी है। अगर आपका फेस बहुत स्लिम है और आप वेडिंग फंक्शन के लिए जा रहे हो मेकअप करके, तो आपको जो है मीडियम साइज़ की बिंदी लगानी है, क्योंकि उस टाइम पर जो है आप स्मॉल बिंदी लगाओगे तो वो आपके फेस पर मतलब आपके मेकअप का इतना अच्छा लुक नहीं देगी, तो आपको जो है मीडियम साइज़ की बिंदी लगानी है। सेकेंड उन लोगों के लिए है जिनका फेस ना तो ज़्यादा स्लिम है और ना ही ज़्यादा फैटी है, मीडियम साइज़ का फेस है, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर वो ऑलवेज ओपन हेयर रखते हैं तो मैंने जिस तरीके की बिंदी लगा रखी है वो वैसी बिंदी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि वो ऑफिस जाते हैं तो हमेशा पोनी बना के जाते हैं या मतलब जैसे भी वो प्लेट्स बना के जाते हैं, तो उस केस में वो जो है ये मीडियम साइज़ की बिंदी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़, जिनका मीडियम साइज़ का फेस है उस टाइप के लुक के लिए ये वाली बिंदी है। जो बहुत ज़्यादा फैटी लोग हैं जिनके फेस पर फैट रहता है वो किस टाइप की बिंदी लगाएं, क्योंकि अगर वो छोटी बिंदी लगाएंगे तो दिखेगी नहीं, और मीडियम साइज़ की बिंदी लगाएंगे तो वो नॉर्मल लुक देती है। सपोज़ आप किसी वेडिंग फंक्शन में जाते हो और मेकअप करते हो, तो जिनका फेस बहुत बड़ा है उन लोगों को जो है ये लार्ज साइज़ की बिंदी लगानी है। और मैं आपको बताऊँगी कि ये इस साइज़ की बिंदी जो है उनको एकदम आईब्रो के बीच में नहीं लगानी है, थोड़ा सा स्पेस रखकर उनको थोड़ी ऊपर बिंदी लगानी है ताकि उस बिंदी का एक्चुअल अच्छे से दिख सके। तो आप लार्ज फेस वालों को ये वाली बिंदी लगानी, और अगर वो बन बनाते हैं पीछे तो भी उनको यही बिंदी लगानी है, और अगर वो ओपन हेयर रखते हैं तो भी उनको इसी टाइप की लार्ज बिंदी लगानी है, ताकि उनके फेस का लुक जो है बहुत अच्छे से आ सके, उनका फेस बहुत ब्यूटीफुल लग सके। इसलिए आपको लार्ज साइज़ की बिंदी लगानी है जिनका फेस बड़ा है। गाइज, मैं आपको इन तीनों बिंदी के साइज़ में पिक्चर दिखाऊंगी कि आप कैसे कैसे इस बिंदी को लगा सकते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई नवरात्रि मेकअप करते हैं या आप कोई करवा चौथ मेकअप करते हैं या कोई भी ऐसा रेड साड़ी वाला मेकअप करते हैं, तो उसके लिए भी ये 3 साइज़ में बिंदी अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़। तो आपको उसी टाइप की बिंदी, जैसे मैंने आपको बताया कि फेस के अकॉर्डिंग, तो आप रेड मेकअप के ऊपर भी इस टाइप की बिंदी लगा सकते हैं।
सो गाइज, ये था मेरा बिंदी का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ये जो बिंदी का वीडियो था आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। सो गाइज, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।